हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपने सबसे पहले जाना अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश के उत्तर आपने जाने, उसके पश्चात हम लोगों ने अनुस्वार और अनुनासिक के प्रश्न हल किए, फिर उपसर्ग प्रत्यय, और अब हम लोग करेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के प्रश्न। इसमें जो है प्रश्न दिया है नियत और नियत। प्रश्न 4 है, नियत और बात शब्द युग्मों का शब्द युग्मों का सही अर्थ भेद लिखिए। सही अर्थ भेद लिखिए। उत्तर 4, नियत। नियत शब्द का अर्थ है निश्चित। नियत शब्द का अर्थ है निश्चित। और नियत शब्द का अर्थ है इरादा। उसके पश्चात अगला शब्द है वात। वात का अर्थ है हवा, और दूसरे बात का अर्थ है बातचीत। बातचीत। इसके पश्चात पूछा गया है इसमें ख में कि इसका ये क है। अब ख में प्रश्न चार के ख में पूछा गया है कि कमल और सरोज की पर्यायवाची। कमल और ईश्वर, कमल और ईश्वर की दो दो पर्यायवाची लिखे। दो दो पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची लिखे। ठीक है, दो दो पर्यायवाची लिखे। इसमें कमल की पर्यायवाची उत्तर 4 ख। कमल की पर्यायवाची है पंकज और जलज। इसके अतिरिक्त भी आप कुछ लिख सकते हैं। हाँ, और उसके पश्चात है अगला शब्द ईश्वर। ईश्वर शब्द है जिसकी पर्यायवाची है ईश या ईश और भगवान। ईश और भगवान। अब अगला शब्द है, अगला इसमें प्रश्न है अभिज्ञा और विकीर्ण शब्द का विलोम। इसमें प्रश्न 4 का ग है अभिज्ञ और विकीर्ण का विलोम।
अभिज्ञ और विकीर्ण का विलोम लिखिए। अभिज्ञ और विकीर्ण का विलोम लिखिए। इसमें उत्तर चार ग, उत्तर चार ग अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का उत्तर है अनभिज्ञ और उसके बाद है विकीर्ण, विकीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। विकीर्ण का होगा संकीर्ण, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निर्देशानुसार निम्न शब्दों के किन्हीं दो का वाक्य परिवर्तन कीजिए। इसमें शब्द वाक्य दिया है आज वर्षा नहीं होगी, इसको संदेहवाचक में परिवर्तित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संभवतः आज वर्षा होगी, ठीक है। इस प्रश्न को करते हैं अब हम लोग। प्रश्न पाँच निर्देशानुसार निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो का वाक्य परिवर्तन कीजिए। निर्देशानुसार निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो का वाक्य किन्हीं दो का वाक्य परिवर्तन कीजिए। का वाक्य परिवर्तन कीजिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें है कि आज वर्षा होगी, इसको संदेहवाचक में परिवर्तित करना है। क है आज वर्षा, आज वर्षा नहीं होगी, नहीं होगी संदेहवाचक। इसका उत्तर होगा शायद या संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः आज वर्षा होगी। दूसरा वाक्य है रवि प्रतिदिन हिंदी की पुस्तक पढ़ता है। ख है रवि प्रतिदिन हिंदी की पुस्तक पढ़ता है। हिंदी की पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपको करना है परिवर्तित निषेधवाचक में। इसमें निषेधवाचक निषेधवाचक इसका उत्तर होगा उत्तर ख रवि प्रतिदिन हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ता है।
हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब इसमें गाँव है वाक्य हिमाद्री मधुर गीत गाती है। हिमाद्री मधुर गीत गाती है। इसको करना है विस्मयादिबोधक में, विस्मयादिबोधक में करना है, बदलना है। अब इसका होगा वाह उत्तर, इसमें है हिमाद्री, वाह हिमाद्री मधुर गीत गाती है। वाह हिमाद्री मधुर गीत गाती है। वाह हिमाद्री मधुर गीत गाती है। ये अगला प्रश्न ये हो गया आपका प्रश्न पाँच। अब जो है प्रश्न खंड ख से है, खंड ख से हो गया व्याकरण का प्रश्न। अब खंड ग से प्रश्न है। खंड ग में पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक व पूरक पुस्तक पर आधारित है, जिसमें कि 28 अंक हैं। 28 अंक दिए गए हैं। अब खंड ख हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है कि दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए कि भगवाना की मृत्यु कैसे हुई। पाठ के आधार पर भगवाना की मृत्यु सांप के काटने से हुई, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके करेंगे। इसमें प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, लिखिए। प्रश्न का इसमें है दुख का अधिकार, पाठ के आधार पर दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए कि भगवाना की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर एक है, भगवाना प्रतिदिन खरबूजे की प्रतिदिन खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाता था।
बाजार में पहुंचाता था। एक दिन जब प्रातःकाल एक दिन जब प्रातःकाल खेत में बेल में लगे पके हुए चुन रहा था कि उसका पैर एक गीली मेड़ पर विश्राम कर रहे सांप पर पड़ गया। जिस सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा प्रश्न है, धूर्त एवं चालाक लोग साधारण आदमी की किन अवस्था का लाभ उठाते हैं? धर्म की आड़ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें जो है धर्म धूर्त और चालाक आदमी जो है इंसान साधारण आदमी के उत्साह का शक्ति और उत्साह का फायदा गलत फायदा उठाते हैं और धर्म का नाम लेकर के वे उसे लड़ाते भिड़ाते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे, धूर्त और चालाक लोग प्रश्न दो धूर्त और चालाक लोग धूर्त और चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था साधारण आदमी की किस अवस्था साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? धर्म की आड़ पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर प्रकार है, धूर्त और चालाक लोग
धूर्त और चालाक लोग साधारण आदमी की साधारण आदमी साधारण आदमी की शक्ति और उत्साह शक्ति एवं उत्साह का फायदा उठाते हैं। मूलतः धूर्त और चालाक लोग साधारण आदमी की धार्मिक निष्ठा को अपनी ढाल बनाते हैं तथा आगे बढ़ने के लिए इसी को वैसाखी तैयार करते हैं। मूलतः धूर्त और चालाक लोग धूर्त व चालाक लोग मूलतः धूर्त व चालाक लोग साधारण आदमी की धार्मिक निष्ठा साधारण आदमी की धार्मिक निष्ठा साधारण आदमी की धार्मिक निष्ठा को अपना ढाल बनाते निष्ठा को अपना ढाल बनाते हैं तथा आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए वैसाखी तैयार करते हैं। वैसाखी तैयार करते हैं। साधारण आदमी धर्म की समझ बूझ नहीं रखता। साधारण आदमी धर्म की सूझ बूझ नहीं रखता। साधारण आदमी धर्म की सूझबूझ नहीं रखता। अतः धूर्त लोग उनकी अज्ञानता का धूर्त लोग उनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए उनकी शक्ति और उत्साह का शक्ति और उत्साह को घटाकर उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करते का को घटाकर
उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, धूलपाट के आधार पर लिखिए। मिट्टी का हमारे जीवन में क्या अर्थ है, धूलपाट के आधार पर लिखिए। इसमें धूल पाठ से है ये कि मिट्टी का हमारे जीवन में, मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मिट्टी में ही हमें जब जीवनोपयोगी वस्तुएं, फल खाद्यान्न आदि मिलते हैं, फल खाद्यान्न आदि वस्तुएं, फल खाद्यान्न आदि वस्तुएं मिलते हैं, मिलती हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है, उसमें मिलने वाले तत्वों से मिलने वाले तत्वों से मानव जीवन, मानव शरीर निर्मित होता है, मानव शरीर निर्मित होता है। मानव शरीर निर्मित होता है, अतः जीवन जीने के लिए जितने भी सार, अतः जीवन जीने के लिए जितने भी सार तत्व हैं, जितने भी सार तत्व हैं, जितने भी सार तत्व हैं, वे सब मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं, मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं, इसी कारण मिट्टी का हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब इसके पश्चात जो है अगला प्रश्न 5 नंबर के हैं, 5 अंक के हैं।
जिसको कि हम अगली कक्षा में करेंगे, शेष अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।